हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन कौशिक किचन। आज हम बनाएंगे मेथी और मूली का भरवा पराठा एक बहुत ही खास ट्रिक के साथ, जिससे बड़ी आसानी से बना जाएगा और इसकी स्टफिंग भी बहुत अच्छी भरी जाएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूली को छील करके काट लेंगे इस तरह से। मूली और मेथी को हमने काट लिया। यहाँ पे मैंने 1 किलो मूली ली है, 1 जूरी मेथी, 1/4 चम्मच तिल, 1/4 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। अब सबसे पहले हम मूली को एक मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे। मूली पीस चुकी है। अब हम एक कपड़े की सहायता से इसके पानी को निचोड़ के अलग कर लेंगे। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पानी को अब हम अलग करेंगे और पानी को फेंकेंगे नहीं, इसी पानी से हमें आटा लगाना है ताकि जो मूली की गुडनेस है वो हमें मिल सके। इसको ऐसे करके निचोड़ लेंगे। इसका पानी आप देख रहे हैं पूरा अलग आ गया है। मूली तैयार है। अब हम लेंगे एक फ्राई पैन। फ्राई पैन गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑयल और इसमें डालेंगे जीरा और तिल। इनको तड़का लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्ची। इनको थोड़ा सा भून लेंगे। मूली और नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पका लेंगे। मूली को 2 मिनट मैंने पका लिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेथी और इसको चला करके अच्छे से मिला दूंगी। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। पराठे की स्टफिंग तैयार हो गई। अब हम आटा लगा लेते हैं। आटे में डालेंगे मूली का पानी, हमें यही यूज़ करना है। अगर ये पानी कम पड़ता है तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर सकते हैं। और एक नरम डो बना के तैयार करेंगे आटे का। ये आटा लगा के मैंने 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, इससे आटा अच्छे से फूल जाता है। इसमें एक बार फिर से मुक्की लगा लेंगे ताकि आटा अच्छे से मुलायम हो जाए। यह आटा बिल्कुल रेडी हो गया। पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे आटे की एक लोई। लेंगे सूखा आटा थोड़ा सा पराठे को बढ़ाने के लिए और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग डाल के इसको बंद कर देंगे ऊपर से ऐसे करके। और अब फिर से सूखा आटा लगा के पराठे को बढ़ाएंगे। पराठा बढ़ गया है, तवा भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इस पे डालेंगे पराठा, ऊपर से लगाएंगे ऑयल और इसको अच्छे से फैलाएंगे। पराठा एक साइड से सिक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी ऑयल लगाएंगे इस तरह से। ऑयल को अच्छे से फैला देंगे और फिर से पराठे को दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। पराठे को हम फिर से पलट के दूसरी साइड से और इसको फुलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पलटे की सहायता से इसको दबा देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। लीजिए हमारा पराठा कितना अच्छे से फूल गया, आप देख रहे हैं। ये हमारा तवा तोड़ पराठा बन करके तैयार है। आपको हमारी ये पराठा रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।